चलो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप भी किस तरीके से ऐसा ही ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस आप अपना बना सकते हैं अपने मोबाइल से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए आपको जरूरत होगी एवी प्लेयर की। दोस्तों अगर आपके पास एवी प्लेयर नहीं है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको जरूरत होगी मेरे इस टेम्पलेट की, तो इस टेम्पलेट का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लोगे वो टेम्पलेट आपके एवी प्लेयर में ओपन होगा, और दोस्तों यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसे ही वहाँ पर दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसके पेन सेलेक्शन पर आ जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी फोटो या कोई भी फोटो लगानी है तो उसके लिए आपको ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे जो पहली वाली इमेज है उसमें आ जाना है। फिर यहाँ पे इसके जनरल में जाना है और इसके विजिबल के सामने जो बॉक्स है वहाँ पर आपको टिक कर लेना है, तो यहाँ पे फोटो ऐड हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये फोटो नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो आपको इसकी इमेज में जाना है। फिर कस्टम इमेज में जाके आप कोई भी अपनी कोई भी फोटो यहाँ से पिक इमेज से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, एकदम यहाँ पर जो ब्लर इफेक्ट के नीचे वाली जो इमेज है उसमें आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको इसके ब्लर में जाना है और इसके ब्लर में जो ब्लर एनेबल के सामने जो टिक है वो टिक आपको यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे जो कलर चेंजिंग वाला फ्रेम था वो फ्रेम अब यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें पार्टिकल्स ऐड करने हैं, तो पार्टिकल्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ब्लर इफेक्ट में आ जाना है। ब्लर इफेक्ट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसके अपीयरेंस में आना है। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे स्लो अनब्लर्ड कंटेंट लिखा है उसके सामने आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों इसके नीचे वाले बॉक्स में भी आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। जैसे दोनों बॉक्स में आप मार्क कर लोगे तो हमारा यहाँ पर जो टेम्पलेट है पूरा कंप्लीट बन जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको जो भी गाने का स्टेटस बनाना है वो गाना आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर यहाँ पर आपको वीडियो व्यूज 1200 अच्छी वीडियो 720 ले लेना है। और फिर जितने भी सेकंड का आपको स्टेटस चाहिए वो टाइम आपको सिलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों ये वीडियो आपका एक्सपोर्ट कर लोगे ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज का मेरा टेम्पलेट पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।